लॉटरी साइकिलिंग रैली फॉर डायबिटीज अन्वेषण कार्यक्रम एवं मेहता आई हॉस्पिटलिंग एवं काला घोरा साउथ मुंबई की ओर से डॉक्टर कल्कि मेहता के कर कमलों द्वारा फ्लैगिंग होस्टिंग के कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर कल्कि मेहता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं नगर सेवक नावेरकर समेत कई हस्तियां मौजूद रही। साथ ही 300 से ज्यादा साइकिलिंग चालकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही आपको बता दूं कि मीडिया से बातचीत में डॉक्टर कल्कि मेहता ने डायबिटीज कंट्रोल की टिप्स बताई। वहीं इन सभी का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। हमने किया है वो रोटरी के तरफ से एक साइकिलिंग रैली करी है डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए, जो लोगों को पता लगे कि डायबिटीज़ जो है खतरनाक बीमारी है और उसको हमेशा संभाल के करना चाहिए। और रैली की फ़ायदा ये है कि ये कहने चाहते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे आराम का तरीका है एक्सरसाइज करने का है साइकिलिंग का, और यह साइकिलिंग से हमें ये फ़ायदा होगा कि कंट्रोल भी कर सकते हैं, डायबिटीज़ का कम भी हो सकते हैं। और सब लोगों को ये बताने चाहते हैं कि भाई आप जाके अपना जांच वगैरह करवाएं, टेस्ट करवाएं, ग्लूकोज शुगर जो ज़्यादा हो तो उसका इलाज करवाएं, उसको सिर्फ आराम से ना लें क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है, इसको संभालने होते हैं। दूसरा भी ये कहने जाते हैं कि अभी मुंबई शहर जो है उसमें हमें साइकिल की ज़्यादा ज़रूरत है, गाड़ियाँ से रास्ता क्लॉग हो जाते हैं, पोल्यूशन होते हैं। साइकिल से फ़ायदा होता है कि आप हर जगह एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, और अभी बॉम्बे में ये चीज़ हमें कंसिडर करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे पास में आज दो हमारे MLA हैं, मिस्टर नार्वेकर जो हैं जी हमारे, यानी हमारे दूसरे भी इलेक्टेड हैं रिप्रेजेंटेटिव हर्षिता, वो भी हमारे साथ में है। ये रैली यहाँ से निकलने वाली है और जाके रास्ते से तारडियो के रास्ते से जाके वो केटरिंग कॉलेज तक जाएगी और वहाँ पे रैली टर्मिनेट होगी। वहाँ पे एक लकी रैफल है साइकिल का, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ये पूरे रास्ते में जब जाएंगे हमारे ये टी शर्ट पहन के, लोगों को पता लगेगा कि ये डायबिटीज़ के लिए हमें ये संभालना चाहिए, उसका हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में कंट्रोल करने के लिए तो सबसे आसान तरीका जो डायबिटीज़ हो तो आसान तरीका गोली लीजिए, और जो ज़्यादा डायबिटीज़ हो तो फिर अब इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन आमतौर पे जब मुश्किल ये है कि लोगों को पता ही नहीं है डायबिटीज़ है या नहीं है। पिछले साल जब हमने डायबिटीज़ की रैली करी थी उसमें हमें यह पता लगा था कि 60,000 आदमी हमने रोटरी ने जांच किया था, और वह रोटरी जांच के 60,000 में से करीब 2,000-3,000 के लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, और उनमें से करीब 15,000 लोगों को पता लगा कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में ही नहीं है। उन्होंने पता था कि था, लेकिन उन्होंने सोचा छोड़ो जी कहाँ परवाह करनी है, शुगर तो दुनिया को होती है, उस पर रहने दीजिए। पता लगा कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। समझता हूँ साउथ मुंबई को एक बहुत ही अच्छा क्लब उपलब्ध हुआ है, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ जो है, जो हमेशा हर साल भर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और इसी प्रकार उनके कार्यक्रम सक्सेस होते हैं। इससे जो साउथ मुंबई के लोगों को है वो प्रेरणा मिलती है, और जो इस माध्यम से जो रोटरी क्लब एक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि डायबिटीज़ के बारे में और साइकिलिंग करने के बारे में, कि पैदल आप गाड़ी से चले जाने के बजाय साइकिलिंग करें, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा माध्यम है नहीं। और ये भी एक कोइंसिडेंस की बात है कि महानगर पालिका के मार्फत जो पहला साइकिलिंग स्टैंड, पब्लिक साइकिलिंग पार्किंग प्लेस जो बनी वो यहाँ कालागोड़ा में है, और आज ये साइकिलिंग रैली यहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मुंबई कर भी इस प्रेरणा लेके और साइकिलिंग के और आकर्षित होंगे। सीनियर सिटीजन यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ जो 17-18 यंगस्टर जो घर बैठे सोए हैं संडे को, उनसे ज़्यादा यंग ये सीनियर सिटीजन है, तो ये भी एक प्रेरणा लेने वाली जैसी बात है।
मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे जो रैलियाँ हैं जो अभी रोटरी क्लब ने जो इनिशिएटिव लिया है इनके इसमें 400 रजिस्टर्ड साइक्लिस्ट हैं, इतनी संख्या में इन्होंने यहाँ पे लोगों को एकत्रित किया है और इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ अवेयरनेस है डायबिटीज़ के लिए, प्रिवेंशन भी है, और अगर आप साइकिलिंग के थ्रू माध्यम से अपना एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका वो एक वो मैसेज है, और दूसरा साइकिलिंग से डीकंजेस्ट होती हैं रोड्स बिकॉज एंड वो हम एक्चुअली यहाँ पे कोशिश भी है हमारी कि हम लोगों को प्रेरित करें कि साइकिलिंग करें बजाय कि यू नो कार्स यूज़ करें, क्योंकि आजकल ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों हम लोग को तकलीफ दे रहा है। This year, District 3141 has taken a major health initiative in making diabetes awareness and the treatment. Dr. K.K. Mehta, Arun Bhargav, they were the main pillars to carry it out. We could conduct almost more than 200 camps, checked up 100,000 people. And everybody is known that diabetes, India is the capital of the diabetes. More than 20-30% people suffer from the diabetes, which leads to many other problems. This was a first move by the Rotary. And the program is going to continue, and I'm pretty sure that a day would come when we would be able to at least restrict the diabetes cases by awareness, by making it more popular through this cycling and other things. I'm thankful to the media for being part of this very movement. Thank you. हमने अभी तक करीब 60,000 लोगों का स्कैनिंग मुंबई में किया है, और क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले कभी इतना बड़ा स्कैनिंग या सर्वे अभी तक नहीं हुआ था। तो हमने ये पाया है कि बहुत से लोग, ऑलमोस्ट आप समझिए 20% लोग जिनके डायबिटीज़ था मगर उनको पता नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है। तो जब भी हमने ये स्कैनिंग प्रोग्राम चालू किया तो लोगों को ये मालूम चला कि वो डायबिटिक हैं। अगर हम इसको और आगे करते हैं और जिन को डायबिटीज़ है और अभी तक मालूम नहीं है, अब मालूम चलता है, तो वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो एक तरह से ये एक लाइफ सेविंग प्रोग्राम हमारा हो जाता है। हम अगले 3 साल इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि डिटेक्ट करने के अलावा हम लोगों को एक सस्ता या एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी लोगों को दे पाएँ, या उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाता है, या आइस की प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी प्रॉब्लम आती है, या फूट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम स्पेशलाइज फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे उसको दे पाएंगे, ये हमारी आगे की प्लानिंग है। और